हाय फ्रेंड्स, आप लोगों ने एप्पल वॉच अल्ट्रा का नाम सुना होगा। प्रोबेबली स्मार्ट वॉच में सबसे महंगा स्मार्ट वॉच आता है एप्पल की तरफ से, करीब 80,000 रुपये उसकी प्राइस होती है। लेकिन मैं आज आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूं जो कि उसे टक्कर दे सकता है। तो यहां पे है मेरे पास अल्ट का ये स्मार्ट वॉच, अल्ट ओजी प्रो। तो ये जो स्मार्ट वॉच है आता है करीब 2,000 रुपये में, लेकिन इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि एप्पल वॉच अल्ट्रा से भी अच्छे हैं। तो आज इसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू करें और मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये प्रोडक्ट आपको 2,000 रुपये में लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग करते हैं, और अनबॉक्सिंग करते करते मैं आपको इस ब्रांड के बारे में बताता हूं। तो स्मार्ट वॉच मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं, वो सभी ब्रांड्स अपने अपने स्मार्ट वॉच को चाइना से इम्पोर्ट करते हैं और उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करके इंडिया में बेचते हैं। अल्ट भी एक ऐसा ही ब्रांड है बाकी ब्रांड्स की तरह, जैसे कि है इंडिया में फायरबोल्ट, नॉइज, बोट। तो ये जो अल्ट ब्रांड है, ये नॉइज का सब ब्रांड है कह सकते हो आप। इन दोनों के, नॉइज और अल्ट दोनों के ही पेरेंट कंपनी है नेक्स्ट बेस, तो उस हिसाब से अल्ट और नॉइज दोनों भाई भाई हुए, या फिर आप कह सकते हो भाई बहन भी हो सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सही देखने में लग रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में। तो इसका स्ट्रैप, उसके बाद ये जो मेटल यूनिबॉडी है, लिफ्ट में आपको टोटली स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, पीछे में व्हाइट कलर की केसिंग दी गई है, बीच में आपको सेंसर्स और चार्जिंग डॉक है, और ये स्ट्रैप आप देख सकते हो, ऊपर में ये मेटल के पिंस दिए गए हैं लगाने के लिए। तो चलिए इसके स्टिकर को हटाते हैं। डिस्प्ले इसका काफ़ी बड़ा लग रहा है। ओपन करने के लिए ये जो क्राउन है, इसे एक प्रेस करके रखें, और ये आप देख सकते हो अल्ट का लोगो आ गया है, ये वॉच फेस है। नीचे से स्वाइप करने में आपको नोटिफिकेशन मिलता है, ऊपर से आपको नोटिफिकेशन पैनल मिल जाते हैं, राइट साइड में आपको एक्टिविटी या वॉच फेसेस मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में आपको ये मेन्यू मिल जाता है। ये देखो आप स्ट्रैप को मैं इस तरीके से मोड़ रहा हूँ। ये एक्चुअली ये जो आप बीच में छेद देख रहे हो ना, ये पहनने में बहुत ही कम्फर्टेबल है। हाथ में जाने के बाद ये स्पॉन्जी टाइप फील होता है। तो जितने मैंने आज तक स्मार्ट वॉचेज का जो स्ट्रैप यूज किया है, ये सबसे कंफर्टेबल है। तो चलिए इसे स्मार्टफोन से पेयर करते हैं। इसका जो ऐप है अल्टफिट, वो डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपना प्रोफाइल बना लें। होम पेज पे आपको वर्कआउट मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग डिवाइस ऐड करते हैं। ऐड डिवाइस में जाएं और ब्लूटूथ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, एक बार में ये पेयर हो जाता है। अब ये देख सकते हो ये कनेक्ट हो गया है। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगता है इसे कनेक्ट होने में, लेकिन इजीली कनेक्ट हो जाता है। तो किस किस ऐप का नोटिफिकेशन आप अपने स्मार्ट वॉच पे चाहते हो, तो मैं यहाँ पे फोन को ऑन कर देता हूँ। डिफॉल्ट इसमें 4 वॉच फेसेस दिए गए हैं, करीब 150 वॉच फेसेस और हैं, और ये जो स्मार्ट वॉच है आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने फोटो लगाकर। देख सकते हो मैंने ये वॉच फेस लगा लिया है। मेन्यू में जाते ही हमें सेटिंग मिलता है, डिस्प्ले में ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है। ब्राइटनेस इसकी अच्छी है, यहाँ पे ब्राइटनेस की बात मैं बाद में करता हूँ, अभी मैं मेन्यू व्यू में आता हूँ। यहाँ पे आपको 5 या 6 मेन्यू के व्यू मिल जाते हैं। ये जो आप देख सकते हो, ये है एप्पल के वॉचेज में आपको ये देखने को मिलता था, ये वाला मेन्यू। यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोन कॉल मेरा ऑन है। जब भी ये फ़ोन कॉल ऑन रहेगा तभी आपके स्मार्ट वॉच पे फ़ोन आएगा। फाइंड माई फ़ोन का एक मेन्यू है, इस पर आप क्लिक करते हैं, आप अपना जब भी ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा स्मार्टफोन, तो यहाँ पे एक रिंग होने लगेगा। ब्लड प्रेशर में फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इसे ऐप पे ऑन करके रख दोगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरे दिन ही आपका ब्लड प्रेशर, SpO2 वगैरह ये सारा मेज़र करते रहेगा, और सारा डेटा आपके स्मार्टफोन में जमा होते रहेगा। मेन्यू में यहाँ पे है वेदर मोड, यहाँ पे आप जो भी लोकेशन स्मार्टफोन में सेलेक्ट करोगे उसका आपको टेम्परेचर दिखा देगा, और पूरे सप्ताह का भी क्लाइमेट आपको इस स्मार्ट वॉच पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमारा फ़ोन कॉल का एरिया है, तो यहाँ पे हमारा डायल पैड है। डायल पैड पे चलो एक नंबर डायल करते हैं, कुछ भी, और इसकी स्पीकर की क्वालिटी आप देख लो, लाउड इनफ है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यहाँ कॉन्टैक्ट में आप करीब 4 से 5 कॉन्टैक्ट आप सेव कर सकते हो स्मार्टफोन के ऐप से। तो यहाँ पे मैं एक कॉल लेता हूँ। तो अभी जो आप आवाज सुन रहे हो वो इस स्मार्ट वॉच से मैं कॉल कर रहा हूँ, तो इसके साउंड क्वालिटी से आप ये जज कर सकते हो कि स्मार्ट वॉच का माइक कितना अच्छा है। यहाँ पे मैंने म्यूजिक कनेक्ट किया है, तो जी हाँ, आप अपने स्मार्ट वॉच में जो स्मार्टफोन का म्यूजिक है वो आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि ट्रेबल वगैरह सही है। बेस की थोड़ी कमी मुझे नजर आई, लेकिन आप इसमें गाना तो सुनोगे नहीं। अभी आप जो आवाज सुन रहे हो ये इसके स्पीकर से आवाज आ रहा है, तो स्पीकर भी लाउड इनफ है। अगर आप क्लोज एनवायरनमेंट में हो, रूम वगैरह में हो, घर में हो, जहाँ की नॉइज ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पे कैलकुलेटर है, ये बहुत ही अच्छा फीचर है, नॉर्मली पहले नहीं आते थे, लेकिन अब जितने भी स्मार्ट वॉचेज आ रहे हैं उनमें आपको कैलकुलेटर देखने को मिलता है, और इसमें कुछ गेम्स भी दिए गए हैं।
तो चलिए कुछ गेम्स ट्राई करते हैं। गेम्स इसमें आपको चार मिलते हैं। तो सबसे पहले ये फ्लैपी बर्ड टाइप का कोई गेम है जिसे आप क्लिक करके इसे हवा में रखना होता है। अच्छा है जब भी आप बोर हो रहे होगे और आप नहीं चाहते कि आप अपना स्मार्टफोन निकालो, तो उस समय पे ये गेम्स वगैरह आपके काम आएंगे। तो ये गेम ओवर हो गया है। रेस टू वेकअप वाला फीचर अच्छे से काम करता है और इतने ज़्यादा धूप में भी इसका जो डिस्प्ले है वो हमें नज़र आ रहा है अच्छे तरीके से। क्राउन का जो सेंसिटिविटी है, ये जो आवाज़ है, बहुत ही अच्छा है, रिलैक्सिंग है। पूरे मेन्यू को आप इस क्राउन से आप नेविगेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पे QR का ऑप्शन है, तो ये जो आप QR है, 2-3 QR आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो चयन सोशल करके मैंने एक QR बनाया है। इसे जब आप स्कैन करोगे तो देखो आप काम करता है या नहीं, ये तो आप टेस्ट खुद ही कर सकते हो। इसे स्कैन करके वीडियो पॉज करें और स्कैन करके देखें। यहाँ पे D&D मोड है, तो कोई भी कॉल्स वगैरह साइलेंस हो जाएंगे, कोई भी कॉल नहीं आएगा। यहाँ पे एक लो पावर मोड है जिस पे आपको बैटरी ज़्यादा मिलेगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये स्मार्ट वॉच में जो सॉफ्टवेयर डाला गया है वो बहुत ही स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम मुझे यूज़ करने में नहीं आई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस स्मार्ट वॉच में मुझे क्या क्या अच्छा लगा। तो अच्छा लगने के लिए इसमें जो है, इसकी जो प्राइस पे ये आता है 2000 रुपये, तो सबसे पहले तो इसका जो प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन है वही सबसे ज़्यादा बेहतर है। 2000 रुपये में इस क्वालिटी का स्मार्ट वॉच मिलना बहुत ही मुश्किल है। और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अल्टरनेट डिज़ाइन किया है, बाकी जितने भी कॉपीकैट्स हैं उनके जो ऐप आते हैं वो सारा चाइना वाला ऐप होता है, तो वो नहीं है, ये अल्टरनेट खुद ही बनाया है। ब्राइटनेस की अगर मैं पीक पावर की बात करूँ तो करीब 550 निट्स का पावर होगा। धूप में आपको देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके जो सेंसर्स हैं वो एक्यूरेट है, जो डेटा मेजर करते हैं वो एक्यूरेट है। प्लस इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो है सिंगल चिप पेयरिंग वाला मोड, क्योंकि जितने भी कॉपी हैं वॉच अल्ट्रा के वो सारे डुअल चिप के साथ आते हैं। आपको 2 बार ब्लूटूथ पेयर करना पड़ता है और उनमें इजिली पेयर आप नहीं कर सकते, लेकिन इसमें मैंने देखा है, आपने भी वीडियो में देखा कि इजिली ये पेयर हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें मुझे अच्छा नहीं लगा और क्या बेहतर हो सकता था। तो सबसे पहले तो अगर इसका डिस्प्ले आपको एमोलेड मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता, फिर तो कोई कंप्लेन करने की बात ही नहीं हो। दूसरा, इसमें आपको ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन नहीं है, तो आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो आपको मैनुअली उसे ऑन करना पड़ेगा। और तीसरा, इसमें कॉम्पस की फीचर नहीं है, तो कॉम्पस अगर होता तो वो भी अच्छा होता। अब मैं आपको अपना कंक्लूजन बता देता हूँ कि क्या 2000 रुपये या फिर 2500 रुपये, क्योंकि अभी जो है स्टार्टिंग में आप 2000 रुपये वॉच की रेट रखी गई है, लेकिन तो मे बी इसकी प्राइस फ्यूचर में बढ़े। तो अगर ये वॉच आपको 2000 से 2500 के बीच में मिलता है तो बिल्कुल आपको इस वॉच को लेना चाहिए। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे बात किया था कि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि एप्पल वॉच अल्ट्रा से अच्छे हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहला फीचर्स तो है इसका बैटरी लाइफ, इसमें आपको 4 से 5 दिन कॉलिंग के साथ आपको बैटरी लाइफ मिल जाती है। अगर आप कॉलिंग ऑफ करके रखते हो तो आपको 1 सप्ताह तक की बैटरी लाइफ मिल जाएगी, जबकि एप्पल वॉच अल्ट्रा में सिर्फ 1 से 2 दिन की बैटरी लाइफ आपको मिलती है। उसके बाद इसमें आपको वाटर प्रूफिंग प्लस डस्ट प्रूफिंग दोनों ही देखने को मिलता है। IP67 का इसमें रेटिंग है, लेकिन एप्पल वॉच अल्ट्रा में IP6AX है। इसका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते हो, कहाँ 80,000 और कहाँ 2000, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एप्पल को थैंक्स करना चाहूँगा इस स्मार्ट वॉच को डिज़ाइन करने के लिए। तो दोस्तों, अल्ट का OG प्रो स्मार्ट वॉच आपको कैसा लगा और क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे या फिर आप कोई और स्मार्ट वॉच कंसिडर करेंगे इस प्राइस पॉइंट पे, तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं मुझे। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।